हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और सभी लोग जानते हैं कि माता रानी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि बहुत ही उत्तम समय है। जिस व्यक्ति पर माता रानी की कृपा हो जाती है उस व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। दोस्तों, माता रानी के लिए समर्पित ये 9 दिन बहुत ही खास होते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार 4 रात्रियाँ ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही शुभ और अच्छी फलदायी होने वाली होती हैं। इन्हीं रात्रियों में व्यक्ति अच्छा या बुरा दोनों प्रकार की क्रियाएं करके अपनी शक्तियां बढ़ा सकता है, अपने भाग्य को प्रबल कर सकता है। वे रात्रियां हैं शिवरात्रि, होली की रात्रि, दीपावली की रात्रि और नवरात्रि। दोस्तों, नवरात्रि में माता दुर्गा पृथ्वी पर वास करती हैं, उनकी अनुचरण शक्तियाँ भी पृथ्वी पर वास करती हैं। इसलिए माता को प्रसन्न करना अगर आप चाहते हैं तो आप इस नवरात्रि माता को प्रसन्न कर सकते हैं। छोटे छोटे उपाय से माता प्रसन्न हो जाती हैं। वे भाव की भूखी होती हैं, जैसा आपके मन में भाव होगा माता उसी प्रकार से आपको फल देती हैं। दोस्तों, माता जब आपसे प्रसन्न होती हैं तो वे आपको कुछ संकेत देती हैं, जो संकेत यह बताते हैं कि आपका भाग्य उदय होने वाला है। व्यक्ति का भाग्य जब उदय होने वाला होता है, माता की जब उस व्यक्ति पर कृपा होने वाली होती है, तो दोस्तों उसे कुछ संकेत माता की अनुसरण शक्तियों के द्वारा दिए जाते हैं। वे संकेत होते तो बहुत ही तरीके के हैं, परंतु उनमें से कुछ आज खास 5 संकेत आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखते रहिएगा और साथ ही एक बार कमेंट में सच्चे मन से जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। माता जी की कृपा से आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे। दोस्तों, कौन से हैं वे संकेत? तो दोस्तों, पहला संकेत है कि जब आपका भाग्य उदय होने वाला है, जब आपके घर में लक्ष्मी आने वाली होती है, आपके भाग्य के कपाट खुलने वाले होते हैं, माता की कृपा आप पर होने वाली होती है, तब दोस्तों आप एक चीज़ देखना कि इस नवरात्रि अगर आपकी आँखें सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच अचानक से अपने आप खुलने लगी हैं, और सिर्फ खुलती ही नहीं है अपितु आँखें खुलते ही आपके मन में भगवान का विचार आने लगा है, आपका मन प्रसन्न होने लगा है, तो समझ लीजिए कि माता की आप पर कृपा हो गई है और शीघ्र ही आपको धन लाभ अवश्य होने वाला है। माता लक्ष्मी आपसे भी प्रसन्न होने लगी हैं, इसलिए दोस्तों आपके बिगड़े कार्य भी शीघ्र ही बनने लगेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो माता की अनुसरण शक्तियां होती हैं, जो इस पृथ्वी लोक पर इस समय वास कर रही हैं, उनके लिए यह समय विचरण करने का, माता की सेवा करने का, उनके संदेश पहुँचाने का होता है। दोस्तों, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में यानी 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में जो देव शक्तियाँ होती हैं वे विचरण करती हैं, जो शुभ शक्तियां होती हैं, सकारात्मक शक्तियां होती हैं, वे विचरण करती हैं और वे माता का संदेश आज तक लेकर आती हैं। इसलिए आपकी जब आंखें खुलें, आपका मन प्रसन्न हो और आपको भगवान का विचार आ रहा हो, तो इसका अर्थ है कि आपको शीघ्र ही धन लाभ कहीं ना कहीं से होने वाला है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, अगर आप किसी कार्य से घर से बाहर निकलते हैं, आप किसी आवश्यक कार्य से घर से बाहर निकल रहे हैं और आपको घर से निकलते ही कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखाई देती है, सिर्फ दूध पिलाती हुई नहीं, बछड़ा माँ का दूध पी रहा है और गाय उसे प्रेम पूर्वक चाट रही है, अगर आपको ऐसा दिखाई देता है तो समझ लीजिए यह बहुत ही अच्छा शगुन माना जाता है। नवरात्रि के दौरान अगर आपको यह शगुन दिखाई देता है तो समझ लीजिए माता साक्षात आपसे प्रसन्न हैं, आपके घर में विराजित हैं, आपका उनका आप पर बहुत ही अच्छा आशीर्वाद मिलने वाला है और माता की कृपा से आपके बिगड़े हुए कार्य शीघ्र ही बनने लगेंगे, आपका भाग्य दिनों दिन तरक्की करने लगेगा, आपका भाग्य उदय अवश्य होने लगेगा। नंबर 2, दोस्तों इस नवरात्रि यानी नवरात्रि के समय में चाहे प्रतिपदा से लेकर अष्टमी, नवमी तिथि या दसवीं तिथि तक भी अगर कोई बिल्ली, चाहे वह आपकी पालतू बिल्ली हो अथवा वह कहीं से आई हुई बिल्ली हो, अगर कोई भी बिल्ली आपके घर में आकर बच्चे देती है नवरात्रि के दौरान, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता की कृपा से आपके घर में अब कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। जिस घर में बिल्ली भी आती है वह बहुत ही शुभ घर माना जाता है। वहीं अगर नवरात्रि के दौरान बिल्ली का आपके घर में बच्चे देना बहुत ही ज़्यादा शुभ, सकारात्मक और माता की कृपा को दिखाने वाला होता है। नंबर 4, दोस्तों अगर
आप सभी लोग जानते हैं कि पक्षी सूर्योदय से एक घंटे पूर्व ही उठकर अपने कार्य करने में लग जाते हैं, दाना चुगने में इत्यादि दाना ढूंढने में सभी कार्यों में लग जाते हैं। और पक्षियों का चहचहाना किसे पसंद नहीं होता, बहुत ही शुभ होता है पक्षियों का चहचहाना। वहीं दोस्तों, अगर आप देखते हैं कि नवरात्रि के दिनों में पक्षी पूरे शहर में, वैसे तो बहुत सी जगह जाते हैं, लेकिन खासकर नवरात्रि के समय पर वे आपके घर के आंगन में अथवा आपके घर की छत पर झुंड बनाकर आ गए हैं और चहचहाना उन्होंने शुरू कर दिया, उन्होंने कलरव करना शुरू कर दिया है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान पक्षियों का इस प्रकार से आपके घर पर झुंड बनाकर आना और चहचहाना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। पक्षी सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों को मनुष्य से अच्छी प्रकार से पहचानते हैं। अगर वे पक्षी झुंड बनाकर आपके घर में आ रहे हैं, इसका मतलब कोई सकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश कर रही है। और सकारात्मक शक्ति नवरात्रि के दौरान कौन हो सकती है? माता दुर्गा। दोस्तों, अगर आप माता की स्तुति कर रहे हैं, माता की प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि माता की कृपा से आपके घर में सभी कार्य होने लगेंगे, आपका भाग्य प्रबल होने लगेगा। माता साक्षात आपके घर में इस समय विराजित हैं, इसलिए आप लापरवाही ना करें और कोई अनिष्ट कार्य भी ना करें। दोस्तों, इस समय आप पूरी श्रद्धा के साथ माता की भक्ति में लग जाइए, आगे आपका भाग्य प्रबल अवश्य होगा। नंबर 5, दोस्तों अगर आप इस समय नवरात्रि के समय आप अपने घर में माता बिठाते हैं, घर में माता की पूजा करते हैं, अथवा मंदिर में जाकर आप माता की पूजा करते हैं, माता को आप अबीर, गुलाल, भोग, फूल, पुष्प इत्यादि आप चढ़ाते हैं, तो आप एक चीज़ देखिएगा कि अगर आप पूजा करते हैं और पूजा करते समय माता के ऊपर चढ़ाए हुए सामान में से कुछ भी, चाहे वह पुष्प हो अथवा वह माला हो, चाहे वह चावल हो या रोली हो, अगर वह गिरकर आपकी थाली में गिर जाती है, तो यह बहुत ही शुभ है होता है। दोस्तों, इसका अर्थ होता है कि माता ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है, माता आपसे प्रसन्न है और आशीर्वाद स्वरूप वह वस्तु माता ने आपको दी है। उन्होंने संकेत दिया है कि उन्होंने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है, वे आपसे प्रसन्न है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा संकेत मिलता है, तो यह बहुत ही शुभ होता है। इसका अर्थ होता है कि शीघ्र ही आपका भाग्य उदय होने वाला है और आपके भाग्य के कारण आपके सभी बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगेंगे। दोस्तों, माता रानी आपसे अत्यंत प्रसन्न है और इस नवरात्रि इन्होंने आपके घर में प्रवेश किया है, आपके द्वारा दी हुई समस्त भोग उन्होंने स्वीकार किए हैं। और माता जिस व्यक्ति के भोग स्वीकार करके उससे प्रसन्न होती है, उसके लिए बड़े से बड़े चाहे कितने भी कठिन कार्य हों, वे भी निपट जाते हैं। हाँ, कठिनाई जरूर आती है, क्योंकि माता अगर आपको कठिनाई नहीं देगी तो आप सक्षम कैसे बनेंगे। इसलिए कठिनाई आएगी, लेकिन आप उसमें सफल अवश्य होंगे। इसलिए अगर आपका कोई ऐसा कार्य जो आप बहुत दिनों से कर रहे थे, लेकिन फिर भी आप उसमें सफल नहीं हो रहे थे, उस कार्य को आप छोड़िएगा मत, अब उस कार्य को आप अवश्य कीजिए और माता की कृपा से आपका वह कार्य अवश्य ही सफल होगा। दोस्तों, आपको ये 5 संकेत कैसे लगे, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगर आपको इन 5 संकेतों में से कोई संकेत प्राप्त हुआ है, तो वो भी हमें बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।